तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज के ट्रेंड को आपने देख ही लिया है, समझ लिया है, यानी कि आजकल जो चल रहा है टिकटॉक पर VFX बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उसके लिए आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है काइन मास्टर। अब काइन मास्टर से भी दो दो लेयर नहीं चल पाती हैं, जिसका नाम आप क्रोमा की के नाम से भी जानते हैं। क्रोमा की जो है वो एक लेयर पर चलता है लेकिन दो पर नहीं चलता है। आज के टॉपिक में यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से अपने क्रोमा की को विदाउट क्रोमा की वजह के आप अपनी खुद की वीडियो उस तरह की बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, अगर आप ऐसे ही टिकटॉक की या फिर और टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो। तो भाई देखो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना काइन मास्टर। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव है। चलो इस फाइल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे होगी। तो मीडिया में जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक साउंड ले रखा है, साउंड को भी पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद यहाँ मेरा एक मीडिया में जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ DSM यहाँ पे गया मैं अपने, और ये मेरा साउंड है जैसे कि आप ये सुन सकते हैं। पहले चला देता हूँ, सुन लेता हूँ। ये यहाँ पर साउंड है, बहुत सारे मैंने सेव कर रखे हैं। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये दिल बन जाए पत्थर का, ये ले लिया। और इसके बाद मैंने इसी में अपनी एक रॉ फाइल भी बना रखी है जिसका कुछ इस तरह से। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। अभी आ जाते हैं अपने काइन मास्टर में वापस से। तो देखिए मेरे को इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे को ज़रूरत है सिर्फ इसकी ऑडियो की। तो ऑडियो मैंने कर लिया यहाँ से, इसके बाद वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी ये मेरे पास ऑडियो पर सेव हो गया, तो इसको मैं साइलेंट ये कर देता हूँ। ठीक है, अभी सुन के देख लेता हूँ लिपसिंग मैंने करी है इसमें तो क्या लिपसिंग मैच हो रही है या नहीं, तो मैंने उस हिसाब से इसको वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो देखते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे से बनी हुई है वीडियो, मतलब थोड़ा सा फास्ट हो गई है, तो हम उस फास्ट को भी किस तरह से रोक सकते हैं वो भी इसमें चलो देख लेते हैं। तो देखो मैंने अभी अब देखो यहाँ से ये मुड़ गया, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, कैंची वाले निशान पे कर देंगे हम ट्रिम टू लेफ्ट, ट्रिम टू राइट, और उसके बाद ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले हेड। तो स्प्लिट एट प्ले हेड का मतलब एक ही वीडियो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखो मैंने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि पहली वाली जो मेरी वीडियो है वो लिपसिंग के साथ है। अब गाना भी लिपसिंग के साथ चल रहा है, उसके बाद तो VFX लगाना है ना उसमें, तो VFX कैसे लगाना है उसमें क्या करना है वो बात की बात है, उसके लिए मैंने इसको ट्रिम कराया इसमें। अभी देखिए वापस से इसको क्लिक करते हैं और सुनते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सनम पे हाँ। चलो सनम पे हाँ वाले को अभी देखते हैं आ जाएगा कि नहीं। चलो ये हमने कर लिया यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा हम स्पीड कर लेते हैं, क्योंकि मेरा सनम पे हाँ पे ही वो हाथ खुलने चाहिए तभी उसमें मज़ा आएगा। तो अभी देखते हैं कितना हो रहा है स्पीड। तो सनम पे हाँ इसको थोड़ा सा और स्पीड में कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट वाली जो पार्ट है वो बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा मेरे को। अब ये भी मैंने देखो यहाँ पे स्लो कर लेता हूँ इसको, तो ये हो गया मेरा स्लो। अभी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया है यहाँ से। बस इतना मेरे को ही रखना है, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा और आगे करके। बस ये दोनों हाथ आ गए, यहाँ इसको ट्रिम टू लेफ्ट हम कर देंगे, वीडियो काट दी हमने, और ऑडियो को भी हम यहाँ से काट देंगे। तो ऑडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही सेम बन के आ जाएगा साउंड वाउंड, लेकिन उसके नीचे देखेंगे हम ट्रिम आ गया, लेफ्ट आ गया, तो इसको हम ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो यहाँ से ये पूरा हमारा आ गया। अभी देखिए इसके साथ क्या करना है हमें, इसके साथ हमें करना ये है कि ये क्रोमा की है, इस क्रोमा की को मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको बिल्कुल सीधे से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कोई क्रोमा काट के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये क्रोमा की जो है यहाँ से उठा के मैंने सीधा यहाँ सेट कर देनी है। ठीक है, थोड़ी बड़ी है तो उस बड़ी को कितना मर्ज करना है, कितना देखना है, ये जान लेना हमारा ज़रूरी। तो अभी देखते हैं प्ले करके कैसे चल रहा है। तो इसका मतलब कि अभी हमारा बैकग्राउंड यानी कि मुझे नहीं देख पा रहा, और इसमें भी क्या है कि मैं नहीं दिख रहा हूँ। ओके,
तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, खाली वीडियो वीडियो दिख रही है। तो अभी इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई क्रोमा नहीं काटना है यहाँ पे आपको, मैंने पहले ही बताया। तो देखो, जैसे ही आप इस लेयर पर क्लिक करोगे, जो हमने ये बादल वाली है, क्लिक करने के बाद इसमें देखिए ओवरऑल एनिमेशन का एक ऑप्शन है। ओवरऑल एनिमेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आता है ब्लिंक ग्लो, ठीक है, इसमें आता है एक फ्लिकर, ये फ्लिकर आ गया इसमें। अभी इसमें आप एक पल्स आता है, ये पल्स है, एक ये है, एक ये आ जाएगा, रिंग है, फ्लोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है, इस तरह से ये। चलिए, तो मुझे इसमें फ्लिकर एक ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, तो ये मैंने कर दिया। अभी इसको क्या करना क्या है, मेरी जो साउंड है वो मेरे को लेंथ वाइज निकालनी है इसमें। तो लेंथ वाइज में हम रोटेटिंग कर देंगे इसको, रोटेट, ये कर दिया मैंने रोटेट, इसको भी मैं रोटेट कर दूंगा, ये कर दिया मैंने रोटेट, इसको भी मैं रोटेट कर दूंगा, ये कर दिया मैंने रोटेट। अब ये रोटेट हो गया है, तो सबसे पहले वापस उस लेयर को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा सा काम करना है लास्ट वाले पार्ट में। अब काम क्या करना है, आपने कलर फिल्टर में जाके इसकी थोड़ी कलर है वो मर्जिंग कर देंगे। इस कलर को हटा दिया मैंने, और यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर देना है। हाँ जी, अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा देखने में, ठीक है। तो ये थोड़ा डार्क कलर कर दिया। अब वापस उस लेयर को, बादल वाली को, मैं यहाँ पे ला के रख देने वाला हूँ। अब देखते हैं कैसी हमारी बनी है वीडियो। बिल्कुल करेक्ट हमारी बन चुकी है उस तरह की वीडियो। तो हम इसको, बाकी के पार्ट्स यहाँ पे जितने हैं, बैक वाला ये कर देते हैं हम, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह बनी दोबारा। तो अब आपने देख ही लिया किस तरह से वो बनी है, इसी तरह से आपको वीडियो बनानी है। तो ऑलमोस्ट हमारी वीडियो तैयार है, हम बैक करके इसको और इसको हम सेव कर लेंगे HD क्वालिटी के साथ। ये हमारी वीडियो तैयार बन चुकी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको भी यहाँ पे यही करना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।